हे आज हम बात करने वाले स्टीफन आर कोवी द्वारा लिखित बुक सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसमें उन्होंने बताया कि व्यक्ति अपनी आदतों के दम पर अपनी लाइफ को कैसे सक्सेसफुल बना सकता है। चलिए हम बात जानते हैं उन सात आदतों के बारे में। मेरा नाम है रामरे कुशवाहा और आज हम बात करने वाले हैं उन सात आदतों के बारे में जो हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। हैबिट नंबर वन, बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव कहने का मतलब है हमें अपनी जिंदगी के डिसीजंस को स्वयं लेना चाहिए। हम अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर अपनी जिंदगी के दबाव नहीं डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बी प्रोएक्टिव के लिए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। एक बार एक रेस्टोरेंट में एक महिला बैठी हुई थी, उसके ऊपर अचानक आकर एक कॉकरोच बैठ जाता है और जैसे ही वह कॉकरोच उस महिला के ऊपर बैठता है, वह महिला अचानक पैनिक होकर चिल्लाने लगती है और इसी क्रम में एक वही कॉकरोच एक दूसरी महिला के ऊपर जाकर बैठ जाता है और वही महिला उस महिला की तरह ही जैसे कि पहली महिला चिल्लाई थी उसी तरह पैनिक होकर चिल्लाने लगती है। इस सभी स्थिति को देखकर वेटर आता है और उन महिलाओं को बचाने की कोशिश करता है। जैसे ही वह उन महिला को बचाने की कोशिश करता है और वो कॉकरोच उस वेटर के ऊपर जाकर बैठ जाता है, लेकिन वह वेटर उन महिलाओं की तरह पैनिक होकर डरता नहीं बल्कि उस स्थिति को समझता है और इस स्थिति को समझने के बाद वह उस कॉकरोच को जैसे वह अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करता है उस कॉकरोच को पकड़कर होटल से बाहर फेंकता है। इस बात से आप क्या समझते हैं? हमारी यह आदत हमें यह सिखाती है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के एक्शंस को देखकर अपने डिसीजंस नहीं ले सकते। हैबिट नंबर सेकंड, अंत को ध्यान में रखकर कार्य करें। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं? एक हो सकता है एक IAS बनना चाहे, एक IPS बनना चाहे, हो सकता है कि आप यूट्यूबर भी बनना चाहें। आप ईमानदारी से सोचिए कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं और आप यह सोचिए कि आप जो बनना चाहते हैं, आपके जो सपने हैं, उनके लिए आप अभी कार्य कर रहे हैं या आप उनके लिए कोई ऐसा कार्य कोई एक्टिविटी अभी ऐसी कर रहे हैं कि जिससे जिसके जरिए आप अपने सपनों तक पहुंचना चाहें। तो हैबिट नंबर टू हमें यह सिखाती है कि हमें अपने फ्यूचर के पर्सपेक्टिव कार्य करना चाहिए, अर्थात हमें अपने फ्यूचर के पर्सपेक्टिव कार्य करना है जिससे कि हम अपने फ्यूचर को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। हैबिट नंबर सेकंड यही है। हैबिट नंबर थ्री, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हैबिट नंबर थ्री हमें यह बताती है कि हमें जो कार्य जरूरी है वह पहले करना चाहिए, अर्थात जो कार्य इंपॉर्टेंट है उसे पहले करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में एक बैलेंस्ड लाइफ चाहते हैं, इसके लिए आपको चाहिए इसको समझने से पहले हम एक बात समझना चाहेंगे कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट एवरीथिंग यू कांट डू, अर्थात इस दुनिया में हर चीज होना संभव है लेकिन हर चीज आपके द्वारा हो या संभव नहीं। इसके लिए इसका मतलब यह है कि हमारे सामने यदि दो च्वाइस हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट है और दूसरी है कि जो अनइम्पॉर्टेंट है, तो हमें इम्पॉर्टेंट पर वर्क करना है ना कि अनइम्पॉर्टेंट पर। हैबिट नंबर थ्री हमें यही नंबर। हैबिट नंबर फोर, थिंक विन विन सिचुएशन। थिंक विन विन सिचुएशन का मतलब यह नहीं है कि सफलता का कोई शॉर्टकट है, इसका मतलब तो यह है कि आप अपने लाभ के लिए और दूसरों के लाभ के लिए कार्य कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक मोटिवेशनल साइट ए और आपकी एक मोटिवेशनल साइट बी है, जिसमें कि मैं आप मेरी साइट पर भी हजारों रीडर्स हैं और आपकी साइट पर भी हजारों रीडर्स हैं और मैं आप अपनी साइट पर आपको इनवाइट करता हूं जिससे कि मेरी साइट के रीडर्स आपके रीडर्स हो जाते हैं और आप भी इसी तरह मुझे अपनी साइट पर इनवाइट करते हैं जिससे कि मेरे साइट के रीडर्स भी आपके रीडर्स बन जाते हैं। इस तरह हम दोनों का फायदा होता है और रीडर्स का भी फायदा होता है कि उन्हें अच्छा नया कंटेंट मिलता है और हमें प्रॉफिट के लिए काफ़ी नए लोग भी मिलते हैं। हैबिट नंबर फोर हमें विन-विन सिचुएशन के बारे में यही सिखाती है कि हमें दूसरों के लाभ को और अपने लाभ को एक ध्यान में रखना। हैबिट नंबर फाइव, दूसरों को समझे बिना अपनी बात को कह देना। हमारे जीवन में आज की डेट में कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी स्किल्स है जो हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कई सालों तक पढ़ते लिखते रहते हैं लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप सुनने की ट्रेनिंग लेते हैं? नहीं, शायद हो सकता है कोई 1% चांस है कि कोई लेता हो लेकिन 99% चांस है कि कोई भी नहीं लेता होगा। तो हैबिट नंबर फाइव हमें यह सिखाती है कि दूसरों की बात को हमें समझने से पहले अपनी बात को नहीं बोलना चाहिए, अर्थात इससे क्या नुकसान होता है। इससे नुकसान यह होता है कि यदि सामने वाला व्यक्ति हमें कुछ अच्छी तरह से समझाना चाहता है और उससे पहले ही हम अपनी बात को कहने लगते हैं तो उसके मेंस रीजन को हम नहीं समझ पाते हैं और हम अपनी बात को कह देते हैं जिससे कि हमारी बात हमें कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि उसकी बात को ना समझ कर हम कई बार स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। हैबिट नंबर फाइव हमें इसी तरह की
आदतों को सिखाती है कि हमें पहले दूसरों को सुनना चाहिए फिर अपनी बात को। हैबिट नंबर 6 सुना जाए कहने का मतलब है वर्क एज अ टीम। मान के चलिए आप किसी आम के पेड़ से आम तोड़ना चाहते हैं लेकिन आप आम के समक्ष पहुंचने में थोड़ी दूर, लेकिन एक व्यक्ति और है वह भी आम तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यदि आप दोनों आम तोड़ने का प्रयास कर रहे हो और आप लोग चाहते हैं कि आम तोड़ें, तो यदि आप एक टीम के रूप में कार्य करें तो आप उन आम को आसानी से तोड़ सकते हैं। हैबिट नंबर 6 सुनरजाई हमें यही सिखाती है कि हमें एक बार हैबिट नंबर 7 शार्पन द सो कहने का मतलब है कि अप टू डेट रहें। अप टू डेट कहने का मतलब यह नहीं है कि आप न्यूज़पेपर में अप टू डेट रहें। अप टू डेट कहने का मतलब है कि आप इन चार एरियाज में अप टू डेट रहें। नंबर 1 फिजिकल, नंबर 2 मेंटल, नंबर 3 सोशल और नंबर 4 स्पिरिचुअल। फिजिकल कहने का मतलब है कि आपका खाना पीना और आपकी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य और आपका शरीर ही पहले नंबर इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2 सोशल की बात करें तो हमें अपने आसपास के वातावरण में माहौल में अच्छा माहौल रखना चाहिए और हमें उनके साथ अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए। हैबिट नंबर 3 मेंटल कहने का मतलब है कि हमें अच्छी चीज़ें पढ़ना चाहिए, अच्छी चीज़ें और हमारे माइंड में अच्छे विचार हमें रखने चाहिए। हैबिट नंबर 4 स्पिरिचुअल अर्थात आत्मिक लेवल पर यदि आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी बात मैं कहूँगा कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन इज द बेस्ट टू रीच एनी गोल। इफ यू वॉन्ट टू सक्सेस इन योर लाइफ यू कैन अचीव इट इफ यू कैन डू मेडिटेशन इन डेली इन योर लाइफ। चलिए आज हमने जाना कि कौन सी वो 7 आदतें हैं जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट सून, ओके बाय। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब कमेंट।